हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। नीट पीजी का एग्ज़ाम एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। जो स्टूडेंट एमबीबीएस कंप्लीट करके इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम एनबी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नीट पीजी के लिए एनबीई द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या कंडीशन है और अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 नवंबर 2019 इनकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट 5 जनवरी 2020 है। इसके बाद में जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो 31 जनवरी 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएंगे 28 दिसंबर 2019 को। तो एप्लीकेंट वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी फ़ीस की बात करें हम, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3750 रुपये फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 2750 रुपये फीस है इसमें। इसके बाद में जो आपने डिटेल भरनी है वो बिल्कुल केयरफुली भरनी है, उसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेस्टिंग सिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट में बिल्कुल आपने गलती नहीं करनी है, करेक्ट डिटेल फिल करनी है। इसके बाद में हम देखें कि नीट पीजी के थ्रू किन किन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए 50% के लिए एडमिशन होगा। इसके बाद स्टेट कोटा में 50% के लिए होगा और आल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनमें एडमिशन होगा और एएफएमसी में व डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस कोर्स के लिए इसमें एडमिशन होगा नीट पीजी 2020 के थ्रू। अब इसमें जो कवर नहीं किए गए हैं नीट पीजी के लिए इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन इंस्टीट्यूट में अपने खुद के एग्जाम से एडमिशन होगा, वो है एम्स न्यू दिल्ली, इसके बाद में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जिपमर पुडुचेरी और निमहंस बेंगलुरु और श्री चित्रा त्रिवेंद्रम। इनमें नीट पीजी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, ये अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाते हैं। अभी हम देखें कि इसकी काउंसलिंग के लिए जो ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए है, इसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, इसके बाद एएफएमसी और डिम्ड यूनिवर्सिटी में एमसीसी द्वारा काउंसलिंग की जाएगी और इसके बाद में जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें यूनिवर्सिटी जो स्टेट के अंडर आती हैं उनमें स्टेट काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी, इसमें एडमिशन लिया जाएगा। इसमें जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो स्टेट होगा स्टेट के लिए। इसके बाद में हम बात करें कि जो डेमो टेस्ट है वो 20 दिसंबर 2019 से शुरू हो जाएंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। इसमें आप nb.edu.in की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डेमो टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंट करके, जिसपे फोटो लगी हुई हो। उसके बाद में एमसीआई से जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी ले जाना है। इसके बाद में आपको एक कोई भी आईडी प्रूफ ले जाना है, जैसे वोटर आईडी हुआ, लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, इस प्रकार से आपको ये फोटोग्राफ वाले आईडी प्रूफ लेके जाने हैं इसमें। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और उसने 31 मार्च 2020 तक इंटर्नशिप कंप्लीट कर रखा है या कंप्लीट हो जाएगा, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। इनकी जो इंटर्नशिप की जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च 2020 है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2020 तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी इसमें एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3:30 से 7 बजे तक है। इसमें 1:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री दे दी जाएगी और 3 बजे एग्जाम सेंटर क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं एग्जाम के लिए 3:15 पर
और इंस्ट्रक्शन वगैरह 3:20 पर पढ़ सकते हैं और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी 3:30 बजे और एग्जाम एंड हो जाएगी 7 बजे। इसके बाद में जब आप ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको NBE की वेबसाइट पर जाना होगा और अप्लाई फॉर नीट PG पर क्लिक करने के बाद में यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मेल या SMS पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना है। इसके बाद में टेस्टिंग सिटी चूज करना है और इसके बाद में फीस सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल आपको NBE की वेबसाइट पर अप्लाई फॉर नीट PG के टैब पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी नीट PG की एग्जाम के बारे में। बाकी जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।